पुलिस परिजनों को ही कर रही है परेशान और कर रही मना। जी हाँ, जनपद प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र के किचुआ गांव बीते दीपावली की रात्रि घर से पिता को खाना पहुंचाने पंपिंग सेट पर एक युवक की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक के चाचा द्वारा करछना थाने में गांव के ही दो लोगों पर आशंका व्यक्त करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिनके बाद से महीने बीतते चले। पुलिस घटना में दर्जनों लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अब तक कोई खुलासा नहीं कर पाई। घटना के समाप्त होने के बाद भी अभी तक जहां एक ओर परिजन रिश्तेदार और गाँव में मायूसी छाई है, वहीं पुलिस द्वारा परिजनों के रिश्तेदारों और परिजनों को परेशान कर रही है। ऐसा परिजनों का आरोप है कि पुलिस मामले को दबाने की में लगी हुई है और इसमें गांव के प्रधान भी लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी सुराग नहीं ढूंढ पाई। यह पुलिस की नाकामी नहीं तो और क्या कहा जाएगा। इसलिए परिजनों को पुलिस पर अब भरोसा नहीं रहा। अतः परिजनों की मांग है कि योगी सरकार CBI या CID से हत्या की जाँच करवाए। देखिए घोरपुर से ऋषभ द्विवेदी की यह रिपोर्ट। हम साथ से बोले कि हमारे कार्रवाई आगे नहीं कर रहे हैं, कहाँ धीरे धीरे लगा रहे हैं बताए। हमारे रिश्तेदार नाथ पकड़ के लिए आए, पूछे जाचे, दो चार रफड़ जो मारे। अब तक खुलवाना नहीं किया, आज है कम 15-16 रोज हो गए हैं, ज़्यादा ही हो रहा है। अब तक कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रहा है। जाए तो साहब कहते हैं कि का बोला हम जाँच कर रहे हैं। हम लोग परेशान हैं इसी में। अब हम लोग चाह रहे हैं कि CID जो है हमारी जो है साथ दे, हमारे जो गलत काम करे हैं हमारे साथ में उसको पता लगा कर के उसको हमको खुलवाला किया जाए। जो हत्या हुई है उसमें क्या गांव के लोग सम्मिलित हैं? हाँ, गांव के सम्मिलित के बिना काम नहीं हुआ है। गांव किसी पे आपका शक? हमारे जो भतीजा है उससे लड्डू का बेटवा एक था, वो का नाम है उसका अंगद है, और जो है वो रजिंदर के बेटवा है। ये तीनों दोनों जो है यहाँ इंदाला पर बातचीत हुई थी तो हम बोले कि जाओ हिसाब कर लो, ठेकेदार घर पर आया है। बोले हमको देखा तो दोनों ने चल दिया सब से यहाँ से। उसके बाद है दीपावली के दिन वहाँ दुकान पर बातचीत भई। उसके बाद 9 बजे जो है निकला घर से अगरबत्ती देने, और पापा को दे करके लौटा। उसी दिन 9 बजे गायब हो गया। 9 बजे से पता लगा 4:30 बजे। तो आप पुलिस की जांच व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं? अब कोई नहीं संतुष्ट है कि ऐसे की पता तो हमको आप क्या चाहते हैं? आप चाहते क्या हैं? CI जांच हमको मिले और हकीकत मिले। CI जांच तो हम कहते हैं नहीं मिलेगा तो कल हमारा भी रास्ता चलते समय लड़के बच्चे सियान हो गए, उनके खतरा हो सकता है, हमारे ऊपर भी हो सकता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मुंशीलाल, केचुहा के निवासी हैं। आदमी रहते हैं, हम लोग पहचानते नहीं, रात भर सोते नहीं, उनको ताकना पड़ता है। 3 दिन से आवत है, जान भी गया है और बदमाश भी लगवा दिए हैं पूरे गांव। सिर्फ ये सब बताइए, परिवार भर को छोड़कर सब यहाँ नफरत पैदा कर रहे हैं। पुलिस से संतुष्ट है तो ठीक है, नहीं संतुष्ट है तो CBI मांग करिए। जो मर्डर हुआ 15 को हमको पता चली, तो पुलिस प्रशासन ने आया तो उसके बाद मुलजिमों को जो हमारे दोषी हैं या उससे झगड़ा हुई थी तो हम लोगों ने बता दिया। तो गए वहाँ तो जो है प्रशासन उसके घर को तलाशी नहीं की पहली बात, और उसकी बात ले गया तो 20 दिन हो गया प्रशासन यही थाने पर रखा है। हम लोगों ने जाते हैं तो कहते हैं कि जांच कर रहे हैं, जांच भी नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं लड़के के थाने पे पैसा कौड़ी ले करके अपना जो है घुस उनको केस को दबाना चाहते हैं। हम लोगों की सुनाई नहीं कर रहे हैं। किन लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है? लल्लू हैं, अंगद हैं और बबलू है, ये तीन जो है धमकी दिए थे कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। इसलिए तो अभी गिरफ्तार पुलिस वाले किसको गिरफ्तार किए हैं? तीनों को गिरफ्तार किए हैं, तो उनको जेल नहीं भेजा गया, यहीं थाने पे रख करके पैसा कौड़ी ले करके हमारी केस को दबाना चाहते हैं। कौन दबाना चाहता है केस को?
कौन दबाना चाहते? प्रधान भी लगे हैं हमारे गांव के, जो है रोज जाते हैं, हमसे मिलते हैं, हम कहते हैं प्रधान जी अगर हमारा लड़का मर गया, हमारे घर पे नहीं आए, और उनके जो है पैरवी में लगे हैं, उनको बचाना चाहते हैं, तो हमसे दुश्मनी प्रधान से कौन थी भाई? इन प्रधान का भी हाथ होगा इसमें। अच्छा, प्रधान का क्या नाम है? जो है कपिल, उनके लड़के का उमाकांत तिवारी, जो है दोनों लग करके केस को दबाना चाहते हैं। तो हमारी गुजारिश है कि हमको सीबीआई जांच कराई जाए हमारी। अभी आप लोगों ने बताया प्रशासन को भरोसा नहीं है, हमारे रिलेशन वालों को उठाया गया है। हाँ, तो हमारे रिश्तेदारों को, दो औरतों को 2 दिन रात में रखा गया वहाँ थाने पे, जो कि उसकी मामी लगती थी लड़के की, और एक जो है मान लो आदिवासी है उसकी औरत है, वो बाहर था, उसके पास मोबाइल नहीं था, तो वही मोबाइल से उसके मुकेश के बतलाता था। पुलिस वाले कह रहे हैं कि इसी ने मर्डर करा दिया। वो ऐसा कैसे हो सकता है 25 किलोमीटर से आके वो लड़की इसको मर्डर करा सकती है, क्योंकि लड़का हमारे घर पे 9 बजे तक घर पे था, उसके बाद मोमबत्ती लेकर बोर पे गया, तो वहाँ वापसी में नहीं घर पहुँचा। हम लोग सोचे कि वहाँ बोर पे लेट गया, तो लेटने उसके बाद जब लेट गया तो यहाँ संदेश नहीं है। सुबह जब गए औरतें खेत में तो पता चला कि वहाँ एक आदमी पड़ा है, और पाइप काट करके बोर के पानी उसके शरीर पे लगा दिया गया। अपना नाम बताइए। हम कमलेश पटेल के चूहा, लड़के के चाचा हैं।